हेलो फ्रेंड्स वेलकम गेन टू माय यूट्यूब चैनल सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेवेंथ क्लास के बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड पार्ट के बारे में इसके फर्स्ट टू पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप जाकर देख सकते हैं बिजनेस स्टडीज़ के इस फर्स्ट चैप्टर के थर्ड पार्ट में हम कॉन्टिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि प्रीवियस सेशन में हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया था दैट इज इंडस्ट्री सो आज के इस थर्ड पार्ट में हम टाइप्स ऑफ बिजनेस के सेकेंड टाइप को कवर करेंगे दैट इज कॉमर्स सो कॉमर्स क्या है ये फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस भी डिस्कस करेंगे यानी बिजनेस को कंडक्ट करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सो चलिए डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कॉमर्स को और ऑब्जेक्टिव ऑफ़ बिजनेस को लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा सो चलिए आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं ये है हमारे पास बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट और आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स के बारे में जैसे कि हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं बिजनेस की एक्टिविटी को हम मेजरली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट हमारे पास आती है इंडस्ट्री और सेकंड हमारे पास आता है कॉमर्स इंडस्ट्री में हम मेजरली डिस्कस करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर के बारे में यानी एक ऐसा सेक्टर एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर मेजरली मैन्युफैक्चरिंग की जाती है अब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है इसीलिए बिजनेस की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आती है कॉमर्स यानी जो भी मैन्युफैक्चर किया गया है प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में फाइनली हमें वो मार्केट में कस्टमर्स तक पहुंचाना है कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना है तो बिजनेस केवल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं बिजनेस कॉमर्स से भी रिलेटेड है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सो so, चलिए कॉमर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं सो बेसिकली कॉमर्स है क्या कॉमर्स एक ऐसी ब्रांच है एक ऐसा सब्जेक्ट है एक ऐसा टॉपिक है एक ऐसी एक्टिविटी है जो मेजरली प्रोडक्ट के बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड होती है यानी कॉमर्स इज कंसर्ड विद बाइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज यानी जो भी मैन्युफैक्चरिंग की गई है प्राइमरी सेकेंडरी या टर्जरी सेक्टर में फाइनली वो मार्केट तक पहुंचाने के लिए कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं वो कॉमर्स में काउंट की जाती है सो so, यहां पर आप देख सकते हो कॉमर्स इज कंसर्न विद बाइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉर देंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इन बिटवीन दिजनेसमैन एंड दस्टमर यानी बिजनेस में जो इंडस्ट्री पार्ट होता है वो मैनुफेक्चरिंग के ऊपर फोकस करता है लेकिन मैनुफैक्चरिंग करने से बिजनेस कंडक्ट नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना यानी बाइंग एंड सेलिंग करना ये भी बिजनेस के एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और यह किसमें कवर की जाती है कॉमर्स में सो इन शॉर्ट हम यह कह सकते हैं कॉमर्स इज कंसर्न्ड विद ट्रेड एंड एड टू ट्रेड यानी कॉमर्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है इसका फर्स्ट पार्ट है ट्रेड और सेकेंड पार्ट है एड टू ट्रेड ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग यानी जितने भी प्रोडक्ट बाइंग एंड सेलिंग की जाते हैं वो कॉमर्स में काउंट होते हैं जबकि ए टू ट्रेड का मतलब है हेल्पफुल टू ट्रेड यानी वो सब एक्टिविटीज जो बाइंग और सेलिंग करने में यूज की जाती हैं, जो बाइंग और सेल करने में मदद करती हैं, वो भी कॉमर्स में ही काउंट होती हैं। सो कॉमर्स इज बेसिकली कंसर्न विद ट्रेड यानी प्रोडक्ट की बाइंग और सेलिंग करना सेकेंड ए टू ट्रेड वो सारी एक्टिविटीज कॉमर्स में इंक्लूड की जाती हैं जो प्रोडक्ट की बाइंग और सेलिंग करने में हेल्प करती हैं सो इट इज विद मार्केटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यानी कॉमर्स का मेन पर्पस क्या होता है बिजनेस की ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करना जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में मदद करे जो सेलर से कस्टमर तक परफॉर्म की जाने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो कॉमर्स में इंक्लूड होती है इट मीन सप्लाई ऑफ राइट टाइप ऑफ गुड्स टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द द राइट राइट एट प्लेस, सही सही समय में, सही व्यक्ति तक सही प्राइस पे सही प्लेस पे प्रोडक्ट को पहुंचाना कॉमर्स में इंक्लूड किया जाता है यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कॉमर्स के टू पार्ट्स हैं कॉमर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फर्स्ट इज ट्रेड सेकेंड इज एड टू ट्रेड ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग एड टू ट्रेड का मतलब होता है परफॉर्मिंग ऑल दो एंड सेलिंग यानी बाइंग और सेलिंग ट्रेड में आएगा एड टू ट्रेड मतलब वो सारी ऐसी एक्टिविटीज जो ट्रेड करने में जो प्रोडक्ट की बाइंग और सेलिंग करने में हेल्पफुल होती हैं वो एड टू ट्रेड में काउंट की जाएंगी सो so, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं सबसे पहले कॉमर्स की डेफिनेशन अगर हमें कॉन्क्लूड करनी हो तो कॉमर्स है क्या इन सिंपल लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कॉमर्स एज कंसर्न विद ट्रेड एंड एड टू ट्रेड विच मींस बाइंग एंड सेलिंग एज वेल एज परफॉर्मिंग ऑल एक्टिविटीज विच आर हेल्पफुल फॉर बाइंग एंड सेलिंग यहां पर हमारे पास लिया हुआ है सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ विच आर इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रसेज इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस यानी सेलर से कस्टमर तक पहुंचाने वाली जितनी भी रुकावटें हैं उनको दूर कॉमर्स की हेल्प से किया जाता है कॉमर्स में हम वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सकें यानी जितनी भी रुकावटें हैं हिंड्रेसिस मीनस रुकावटें जितनी भी रुकावटें हैं प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम उसको दूर करते हैं कैसे कॉमर्स की हेल्प से सो so चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हिंड्रेस कौन कौन सी रुकावटें हमें फेस करनी पड़ती हैं जो कॉमर्स दूर करता है तो सबसे पहले रुकावट होती है रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन यानी कॉम्युनिकेशन आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट की बाइंग और सेलिंग के लिए कॉम्युनिकेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि बिजनेस में होनी चाहिए यानी एक प्रोड्यूसर को पता होना चाहिए कि कस्टमर को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए और एक कस्टमर को भी पता होना चाहिए कि मार्केट में किस तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है तो ये जो बैरियर है ये जो बैरियर है सेलर और बायर के बीच में इसको दूर करने के लिए हम कॉम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं कॉम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स कॉम्युनिकेशन थ्रू पोस्टल सर्विसेज टेलीग्राम या टेलीग्राफ सो so, इसका मतलब कॉमर्स में सबसे पहली चीज जो परफॉर्म की जाती है वो है कॉम्युनिकेशन बिटवीन बायर एंड सेलर ताकि जो ये हिंड्रेंस है Persons की वो दूर की जा सके नेक्स्ट हमारे पास है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस अब आपको भी पता है कि जहां पर प्रोडक्शन होती है कस्टमर वहां पर अवेलेबल नहीं होते प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए हमें हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना पड़ता है तो इसका मतलब ये जो प्लेस है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कवर होगी ये जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है वो कैसे दूर होगी

थोड़ा मुश्किल होता है इसीलिए कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी ही पड़ती है सो so, वो कौन सा ऐसा फंक्शन है कॉमर्स में जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को दूर करता है रिमूव करता है ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट हमारे पास है रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ रिस्क अब एक बिजनेस में रिस्क रहता है रिस्क ऑफ फायर डैमेज अर्थक्वेक इसको दूर करने के लिए हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं बिना इंश्योरेंस के अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बिजनेस में सच मानिए बहुत ज्यादा रिस्क होता है कभी भी आग लग सकती है चोरी हो सकती है डैमेज हो सकता है आपके प्रोडक्ट्स को तो इस सिचुएशन से इस लॉस से बचने के लिए इस रिस्क को दूर करने के लिए हम अपने गोडाउन में पड़े हुए स्टॉक को इंश्योर करवा सकते हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंश्योरेंस नेक्स्ट हमारे पास है वेअर हाउस आपको भी पता है जर्नली देर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजन यानी जब आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा तभी तो ये मार्केट में डायरेक्ट कंज्यूम नहीं हो सकता ऑब्वियसली बाइंग और सेलिंग में थोड़ा टाइम रहता है ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड आपको अपना स्टॉक कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा और अगर आप स्टोर नहीं करोगे तो प्रोडक्ट की यूटिलिटी कम होती जाएगी प्रोडक्ट खराब होता जाएगा पुराना होता जाएगा सो so, अगर आप इससे बचना चाहते हो हिंड्रेंस ऑफ टाइम दूर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको एक गोडाउन एक वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी जो कि अगेन कॉमर्स का फंक्शन है नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज अब आपको भी पता है कि मार्केट में कस्टमर्स को हर प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती जब तक कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है वो तब तक उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे ही नहीं सो so, कस्टमर्स की नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए नॉलेज की हिंड्रेंस को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर्स को पता चलेगा कि ये भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और वो उसको परचेज करेंगे सो so, कस्टमर्स की नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को रिमूव करने के लिए हम एडवरटाइजमेंट कर सकते हैं लास्ट फंक्शन हमारे पास है बैंकिंग अब आपको भी पता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत होती है बिना पैसे के हम बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते तो फाइनेंस हमें कहां से मिलेगा बैंकिंग से सो so, फाइनेंस की हिंड्रेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास लास्ट फंक्शन क्या है बैंकिंग सर्विसेस सो इन शॉर्ट ये हमारे पास है वो सारे फंक्शन जो कॉमर्स परफॉर्म करता है इट रिमूव दिंड्रेंस ऑफ पर्सन थ्रू कॉम्युनिकेशन इट रिमूव दिंड्रेंस ऑफ प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्टेशन इट रिमूव दिंड्रेंस ऑफ रिस्क थ्रू इंश्योरेंस इट रिमूव दिंड्रेंस ऑफ टाइम थ्रू वियर हाउस गोडाउन इट रिमूव दिंड्रेंस ऑफ नॉलेज इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, नॉलेज एंड फाइनेंस। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेड अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉमर्स इज कंसर्न विद ट्रेड एंड ऑक्सिलरी, यानी ए टू ट्रेड अब ट्रेड में क्या आता है बाइंग एंड सेलिंग तो चलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं ट्रेड ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज फॉर दी मनी यानी पैसे के बदले में गुड्स और सर्विसेज की डिलीवरी की जाती है इसको हम ट्रेड कहते हैं और ये कॉमर्स का पहला पार्ट है फर्स्ट पोर्शन है अब ये ट्रेड जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है फर्स्ट हमारे पास है होम ट्रेड एंड सेकेंड हमारे पास है फोरन ट्रेड अब होम ट्रेड का मतलब तो ऑब्वियसली आपको क्लियर है होम ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग विद इन द इकॉनमी विद इन कंट्री ऑन द अदर हैंड फॉरेन ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग आउटसाइड द कंट्री तो सिंपल है ट्रेड का मतलब होता है जस्ट बाइंग एंड सेलिंग वो बाइंग एंड सेलिंग विद इन दंट्री भी हो सकता है आउटसाइड दंट्री भी हो सकता है सो होम ट्रेड आपके सामने गिवन है इट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड ये एक ऐसा ट्रेड है जिसमें गुड्स और सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग विद इन द नेशन विद इन द सेम नेशन किया जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब और हरियाणा के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुई या जम्मू के साथ कोई ट्रांजेक्शन हुई मतलब इंडिया के जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें अगर कोई भी बाइंग और सेलिंग होती है तो वो होम ट्रेड कहलाएगा नेक्स्ट हमारे पास होम ट्रेड जो है वो फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में पहला हमारे पास है होलसेल ट्रेड और दूसरा हमारे पास है रिटेल ट्रेड अब आपको पता ही है कि जो भी हमारी सप्लाई चेन होती है वो मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट होती है मैन्युफेक्चर फर्दर प्रोडक्ट सेल करता है होलसेलर को होलसेलर फर्दर प्रोडक्ट सेल करता है रिटेलर को और रिटेलर सेल करता है कस्टमर को सो so, मैन्युफैक्चरिंग हम ऑलरेडी इंडस्ट्री के पार्ट में कवर कर चुके हैं नेक्स्ट अब हमारे पास ये दो बचे होलसेलर एंड रिटेलर होलसेलर वो पर्सन है जो बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेस करता है मैन्युफैक्चरर से और सेल करता है रिटेलर को यानी होलसेलर विल वर्क एज अ लिंक बिटवीन मैनुफेक्चर एंड रिटेलर यानी जो होलसेलर है वो एक लिंक स्टेब्लिश करता है वो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदता है बल्क क्वांटिटी में और रिटेलर को सेल करता है नेक्स्ट हमारे पास है रिटेल ट्रेडर अब रिटेल ट्रेडर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट की बाइंग करता है और सेलिंग करता है ये वो पर्सन है जो एक लिंक एस्टेब्लिश करता है होलसेलर और कस्टमर के बीच में यानी जो रिटेलर है वो होलसेलर से प्रोडक्ट परचेज करता है और रिटेलर आगे फर्दर इसको कस्टमर को सेल कर देता है डिफरेंस क्या है होलसेलर बल्क में परचेस करता है जबकि रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करता है, ऐसे ही, हमारे पास है अभी हमने डिस्कस किया था होम ट्रेड अब हमारे पास है फॉरेन ट्रेड फॉरेन ट्रेड जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया जब आप आउटसाइड द इकोनॉमी कोई भी प्रोडक्ट की बाइंग और सेलिंग करते हैं उसको हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं यानी आप इंडिया में रहते हुए इंडिया से बाहर कोई सामान सेल कर रहे हो या फिर इंडिया में रहते हुए बाहर से कोई सामान परचेज कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे फॉरेन ट्रेड यानी होता ये भी बाइंग और सेलिंग ही है लेकिन यहां पर टू नेशंस या मोर देन टू नेशंस इन्वॉल्व होते हैं इसमें दो या दो से ज्यादा कंट्रीज बाइंग और सेलिंग कर रही होती हैं अच्छा अब जैसे कि मैंने बताया बाइंग और सेलिंग तो सिंपल है अगर हम दूसरी कंट्री को कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इफ वी आर दी सेलर अगर हम इंडिया में रहते हुए वर्ल्ड की दूसरी किसी कंट्री को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एक्सपोर्ट वहीं पर अगर हम वर्ल्ड की किसी दूसरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वी आर दी परचेजर देन इट मीनस इंपोर्ट सो अगर हम सेल कर रहे हैं दूसरी कंट्री को तो एक्सपोर्ट अगर हम दूसरी कंट्री से परचेस कर रहे हैं तो इम्पोर्ट अब यहां पर एक और टर्म है एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट का मतलब है हमने इंपोर्ट किया लेकिन फर्दर एक्सपोर्ट करने के लिए वे इंडियंस इंपोर्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम इंग्लैंड टू तो एक्सपोर्ट इन चाइना तो इसको हम कहेंगे एंट्री पोर्ट। यानी किसी दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट इंपोर्ट करना और सेम एज इट इज इस प्रोडक्ट को फर्दर रीसेल कर देना एक्सपोर्ट कर देना किसी तीसरी कंट्री को इसको हम कहते हैं एंट्री पोर्ट सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉमर्स में पहला पोर्शन हमारे पास आता है ट्रेड ट्रेड इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट होम ट्रेड एंड फॉरन ट्रेड होम ट्रेड यानी विद इन कंट्री विद इन कंट्री हम दो तरह से ट्रेड कर सकते हैं पहला होलसेल ट्रेड और दूसरा रिटेल ट्रेड ऐसे ही फॉरेन ट्रेड का मतलब है दूसरी कंट्री के साथ इंगेज होना एक ऐसा ट्रेड एक ऐसी बाइंग और सेलिंग जिसमें दो या दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हैं अब इसमें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं यानी दूसरी कंट्री को सेल कर सकते हैं या इंपोर्ट कर, कर सकते हैं दूसरी कंट्री से परचेज कर सकते हैं और या फिर हम पोर्ट कर सकते हैं दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करके कर कंट्री को एक्सपोर्ट कर देना so, ये थे हमारे पास कॉमर्स के फर्स्ट टॉपिक के सब पार्ट्स ट्रेड ऐसे ही अगर हम बात करें कॉमर्स के सेकंड पार्ट की तो सेकंड हमारे पास आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ऑक्सिलरीज मतलब एड टू ट्रेड और एड टू ट्रेड में आपको बता चुका हूं वो सारी एक्टिविटीज वो सारे फंक्शंस जो ट्रेड करने में हमें हेल्पफुल होते हैं और ये हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं सो so, एक एक करके डिस्कस करते हैं ए टू ट्रेड में फर्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉम्युनिकेशन अब आप सबको पता है कि जहां प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वहीं सेम प्लेस पे कस्टमर्स नहीं पहुंचते हमें हमारा प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट के थ्रू फाइनल कस्टमर्स तक पहुंचाना होता है यानी कॉमर्स में ट्रेड करने के लिए बाइंग और सेलिंग करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत जरूरी है इट मीन ट्रांसपोर्टेशन इज एड टू ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बाइंग और सेलिंग करने के लिए एक हेल्पफुल एक्टिविटी है क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो हम अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट लोकैलिटीज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे भी की जाए चाहे रोड के थ्रू चाहे रेल के थ्रू चाहे वाटर के थ्रू चाहे एयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हमें चाहिए ही चाहिए इसके साथ साथ हमें कॉम्युनिकेशन भी चाहिए क्योंकि हमें अपने सप्लायर्स के साथ अपने जितने भी इंटरनल मैनेजर्स हैं इंप्लाइज हैं उन सब के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ती है हमें एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है हमें कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है और सॉल्यूशन को ढूंढ के एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचाना होता है तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट एड टू ट्रेड है जिसके जिसमें हम पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज और बहुत सारे इंटरनेट सर्विसेज बेस्ड यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बिना फंड्स के आप बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते क्या आप मेरे को कोई एक ऐसी एक्टिविटी बता सकते हैं जो बिना फाइनेंस के बिजनेस में परफॉर्म की जाए आपका आंसर होगा नो no. क्योंकि रियालिटी में कोई भी ऐसी एक्टिविटी है ही नहीं जो बिना फाइनेंस के परफॉर्म की जा सके सो सेकेंड इंपॉर्टेंट या फिर इसेंशियल एड टू ट्रेड है बैंकिंग एंड फाइनेंस क्योंकि बिना फाइनेंस के बिना बैंकिंग सेक्टर के हम अपने बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते नेक्स्ट हमारे पास है इंश्योरेंस अब ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं बिजनेस कंडक्ट करते हुए आपको बहुत सारे रिस्क रहते हैं जैसे प्रोडक्ट चोरी ना हो जाए डैमेज ना हो जाए अर्थक्वेक के थ्रू फायर के थ्रू एक्सीडेंट्स तो इसके लिए आपको इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए इंश्योरेंस विल प्रोवाइड यूर प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी लॉस अगेंस्ट द रिस्क बाय पेइंग द क्लेम अगर आप इंश्योरेंस करवा देते हो तो आपको एक नॉमिनल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम एवरी मंथ या एवरी ईयर पे करनी होगी बदले में आपके स्टॉक को प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा अगेंस्ट द रिस्क सो इंश्योरेंस करवाना भी जरूरी है क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाओगे तो हो सकता है कि आग लगने की वजह से या किसी भी डैमेज की वजह से आपका नुकसान हो जाए नेक्स्ट हमारे पास है वेयर हाउस अब आपको भी पता है कि एक बिजनेस प्रोडक्शन करता है फ्यूचर को एस्टिमेट करके एक बिजनेसमैन हमेशा ये एस्टीमेट लगाता है कि फ्यूचर में मान लीजिए कि 5000 यूनिट्स हमारी बिकेंगी तो बस 5000 यूनिट्स की डिमांड को एस्टीमेट करते हुए एक बिजनेसमैन 5000 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर लेता है लेकिन क्या ये 5000 यूनिट्स आधे घंटे में बिक जाएंगी या एक दिन में बिक जाएंगी ऑब्वियसली नॉट तो इन सबको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है ताकि ये अपनी यूटिलिटी लूज ना कर दें ये खराब ना हो जाए सडन आ जाए सो so, इसके लिए हमें क्या चाहिए वेयरहाउस इसका मतलब वेयरहाउस एक अनदर एसेंशियल एड टू ट्रेड है जो हमारी गुड्स को स्टोर करके रखता है जब तक वो मार्केट में बिक नहीं जाती सेल नहीं हो जाती नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्टाइजिंग अब आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती सो so, तो कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए कस्टमर्स को बताने के लिए कि ये प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है इसको परचेस करिए क्या करना होगा हमें प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी करनी होगी एडवर्टाइजमेंट करनी होगी होर्डिंग्स के थ्रू पैम्पलेट्स के थ्रू टीवी न्यूज चैनल्स के थ्रू सो so, ये हमें मदद करेगी मिलियंस ऑफ कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए जिससे हमारी सेल्स और भी ज्यादा इंक्रीज होगी सो इन शॉर्ट ये फाइव हमारे पास है एट टू ट्रेड जो हमारी प्रोडक्शन हमारी सेल्स इन शॉर्ट हर एक्टिविटी में हमारी मदद करती है नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस भाई आप बिजनेस करते क्यों हैं? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सिंपल नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक बिजनेस हम करते हैं बेसिक अपनी सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स क्या होती है आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आप मार्केट में सरवाइव करना चाहेंगे मार्केट में स्टैंड होना चाहेंगे फिर आप मार्केट में प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगे और प्रॉफिट जब आपको आने लग जाए तब आप मार्केट में ग्रो करना चाहेंगे बिजनेस आप क्यों करते हो मार्केट में सरवाइव करने के लिए सरवाइव करना मतलब चाहे बिजनेस को प्रॉफिट ना हो लेकिन लॉस भी ना हो सरवाइव करना मार्केट में स्टैंड करना अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना अपने कॉम्पिटिटर्स के इक्वल खड़े होना सर्वाइव करने के बाद अगर आपका बिजनेस सर्वाइव कर चुका है तो नेक्स्ट मोटिव क्या होगा आपके बिजनेस का पैसा कमाना हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन में आप बिजनेस नहीं चला सकते आपको प्रॉफिट कभी ना कभी कमाना ही पड़ेगा और जब आप प्रॉफिट कमा चुके हो तो अब आपको ग्रो करना है मार्केट में एक्सपैंड करना है तो दीज थ्री आर दी मेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अब हमें कौन कौन से दे रखे हैं सबसे पहले है मार्केट में स्टैंड करना जैसे कि मैंने बताया मार्केट सर्वाइवर मार्केट में जब आप आते हो तो आपके लिए इजी नहीं होता मार्केट मार्केट में में स्टैंड करना क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं उन कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना तो दूर पहले आप उनके इक्वल खड़ा होना सीखें तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केट स्टैंडिंग मार्केट पोजिशनिंग अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपको अपने कॉम्पिटिटर के इक्वल आना पड़ेगा नेक्स्ट हमारे पास है इनोवेशन जब भी आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेकर आओगे तो बेसिक प्रोडक्ट कभी भी मार्केट में नहीं स्टैंड करेंगे अगर आप सेम फीचर सेम क्वालिटी सेम नेचर के प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आ रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं किसी दूसरे ब्रांड नेम से तो आपके प्रोडक्ट नहीं चलेंगे तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है आपके बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हो वो इनोवेटिव होने चाहिए उसका डिजाइन उसका कलर उसकी शेप उसके फीचर्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के मुकाबले वो थोड़ा एडवांस्ड होना चाहिए ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को थोड़ा रिकॉग्नाइज एग्जाम्पल आपके सामने 1990's का लाइफ बॉय बिना पैकिंग के आता था जबकि अब इसकी पैकिंग बहुत ज्यादा इनोवेटिव हो चुकी है नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्टिविटी बिजनेस में आपकी प्रोडक्शन कितनी है ये मैटर नहीं करता लेकिन आप कम रिसोर्सेज में कितनी ज्यादा प्रोडक्टिव वे में प्रोडक्शन कर सकते हो वो ज्यादा मैटर करता है यानी अगर आप 10 के जी की प्रोडक्शन कर रहे हो एक लैंड को यूज़ करके तो उसी लैंड पर अगर आप 12 के जी की प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप ज्यादा इफेक्टिव हो और एफिशिएंट हो और आपको यही इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अपने बिजनेस में लेकर आनी है जितने रिसोर्सेज हैं उतने ही रिसोर्सेज में ज्यादा प्रोडक्शन करना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना यानी सेम इनपुट्स बट बेटर रिजल्ट सेम इनपुट्स बट बेटर रिजल्ट आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि वो ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर पाए कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट दे पाए फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमारे पास है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज अब ऑब्वियसली बिना फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के के आपका बिजनेस बिजनेस नहीं चल सकता फाइनेंशियल मतलब आपको मनी चाहिए अपने में इन्वेस्ट करने के लिए और फिजिकल मतलब आपको उस पैसे को प्रॉपर यूज करना पड़ेगा बिल्डिंग परचेस करना प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करना ऑफिस इक्विपमेंट्स परचेज करना रॉ मटेरियल परचेस करना ये सब कहां से आएगा फाइनेंस से सो so, फाइनेंस को प्रॉपर अरेंज करना प्रक्योर करना संभाल के रखना उसकी वेस्ट यूसेज ना होने देना

नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट नेक्स्ट हमारे पास है, अब आपको भी पता है कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हम मैनेजर्स की हेल्प लेते हैं ऑनर्स जो होते हैं वो मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं लेकिन मैनेजर्स अपॉइंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ दो आपको ये ट्राई करना है कि मैनेजर्स के परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके मैनेजर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स और प्रोग्राम्स बेनिफिट मैनेजर को भी मिले और आपके बिजनेस को भी मिले नेक्स्ट हमारे पास है वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड अब नॉर्मली वर्कर्स जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमारा बिजनेस थोड़ी है हम सैलरी के लिए काम कर रहे हैं जितनी हमें सैलरी मिल रही है हम उतना काम करेंगे सो so, इसी सोच की वजह से एक बिजनेस so, ग्रो आप वर्क करोगे तो आपको बोनस मिलेगा और जब बोनस मिलेगा वर्कर ज्यादा वर्क करेंगे तो इन शॉर्ट बिजनेस की ग्रोथ होगी यहाँ पर आप देख सकते हो एक वर्कर जो है वो ऑनर को लेकर चल रहा है ऑनर कह रहा है कि भाई ज्यादा हार्ड वर्क करो बोनस मिलेगा इसलिए जो वर्कर है वो ज्यादा हार्ड वर्क कर भी रहा है सो so, वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए उनके एटीट्यूड को चेंज करो उनको बताओ कि ये बिजनेस मेरा नहीं हमारा है वी आर दी ऑनर नॉट आई एम दी ऑनर मैं ऑनर नहीं हूं हम सब ऑनर हैं तभी हार्डवर्क होगा और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी लास्ट हमारे पास है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको भी पता है कि बिजनेस जो है वो अपने रिसोर्सेज सोसाइटी से रेस करता है एक बिजनेस सोसाइटी से लेबर लेता है एक बिजनेस सोसाइटी से पैसा लेता है कैपिटल लेता है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए सो so, क्योंकि एक बिजनेस सोसाइटी से बहुत सारी चीजें लेता है इसलिए एक बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करे सोशल वर्क परफॉर्म करें जैसे

अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ऑल दी वेरी बेस्ट हैव नाइस डे एंड ग्रेट डे